तो हम लोग ने भाई एमरजेंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्टेट से स्टार्ट करना था जहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पढ़ चुके थे शायद क्या क्या पढ़ लिया था हम लोग ने इसके बारे में We did, यहां से basically start कर रहा था okay. तीन टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए थे दैट वाज स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एमरजेंस में सो so कॉल्ड ये चीजें okay. हो चुकी थी जहां तक मेरे को याद है हाँ ये हम कर चुके थे चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि सर हम स्टेट की डेफिनेशन तो पहले ही पढ़ चुके थे तो हमको तो फिर तो क्या पढ़ाया जा रहा है जो पहले हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था वो बेसिकली एक जेनरिक डेफिनेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओके okay. और ब्लैक लॉ डिक्शनरी की ये जो डेफिनेशन हम स्टेट की पढ़ रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स बेसिकली आई रिपीट दिस इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने क्या पहना है तो आप कहेंगे सर आपने कपड़े पहने हैं तो तो ये तो फैब्रिक के बेसिस पे आपने बता दिया आई एम वेरिंग समथिंग बट इस डिजाइन को प्रैक्टिकली टी शर्ट बोलते हैं अब इसमें बटन लग जाए कॉलर बन जाए तो शर्ट बन जाएगी तो यहां पे जो हमारी स्टेट की डेफिनेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एलिमेंट्स बेसिकली तो कंट्रीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन टेरिटरी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड बेस्ड ऑन सॉवनिटी इज क्लियर सॉवनिटी की बात अगर हम करें तो हम बात करते हैं कि भाई सुप्रीम अथॉरिटी तो अगर इंडिया की बात करें तो इट इज अ डेमोक्रेसी तो भाई सुप्रीम अथॉरिटी कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन उनके लाफ्टर चैलेंज में आता है एक्चुअली में वहां तो ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिया गया है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेसिडेंट कौन है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है क्योंकि ये इंटरचेंज होते रहते हैं ये वेन डायग्राम के सामने तरह चलते हैं लॉजिक समझ में आ गया तो पता लगा कल कोई दूसरा था प्राइम मिनिस्टर अब तकता पलट हो गया कल कोई दूसरा हो गया सर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है इंडिया में ऐसे जाहिर टाइप के लोग नहीं है कम से कम कैसा भी इंसान हो बड़े से बड़ा गुंडा बदमाश हो किसी से कुछ हो जाता तो यही बोलता है आई सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब आज भी हमको अपनी पे भरोसा है तो जब यहाँ पे जाहिर जाएंगे तो यहाँ पे भी जीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे कौन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन तो जे डब्ल्यू गार्नर साहब ने स्टेट में क्या बोला है इट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस बेस्ड ऑन नंबर्स

और एक वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो एनआईएस की बात हम नहीं करेंगे सीबीएसई एंड सी आई एस सी बात है इट कैरी आउट इट्स ओनली इन इंडिया इट इन अदर कंट्रीज एज वेल तो का का लीगल स्टडीज का पेपर जब ट्वेल्थ का होगा जो पेपर इंडिया में होगा प्रैक्टिकली वही पेपर बाहर भी होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है सीबीएसई के के केस में सीबीएसई जोन वाइज पेपर बनाता है मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में कोई पर्टिकुलर पेपर आया तो साउथ में डिफरेंट होगा मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल वुड रिमेन सेम टाइम जोन के हिसाब से उसको किया जाता है जनरली दुबई में प्रैक्टिकली गर्मी बहुत पड़ती है तो भाई मई के महीने में एग्जाम लेना पॉसिबल अप्रैल में नहीं है तो वहां बोला गया जनवरी में एग्जाम ले लो तो वहां पे फिर क्वेश्चन पेपर दूसरा होगा क्लियर पता लगा जो वहां जनवरी में आना वही यहाँ मार्च में आ जाए तो एक सौ एक नंबर से कम किसी का आएगा ही नहीं खोपड़े में बात गई तो ये चेंजेस आ सकते हैं बट अगेन इट इज इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या CISCE की बट अप टू सर्टन एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करती है तो अगर एनईपी दो हजार बीस आया क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश बोर्ड के ऊपर लागू होगा नो no. इंडिया के जितने बोर्ड हैं सब पे लागू हो जाएगा इज दैट क्लियर क्यों लागू होगा बिकॉज वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं इज गवर्नमेंट आई रिपीटिंग एंड ऑर्गेड गेंगे गवर्नमेंट बनवाई गई उसके बाद अमेरिका को लगा कि भाई अब तो ये किसी लायक है नहीं देश मिट्टी और पहाड़ है यहाँ पे चलो निकल लो जैसे ही वहां से निकले कौन आ गया तालिबान वाले फिर चले आए नहीं समझे बात को आपके घर में जब जब आप हिट छिड़कते रहते हैं कॉकरोच बाहर रहता है जब आपने हिट छिड़कनी बंद की खाना खाना तो छोड़ेंगे नहीं कहीं ना कहीं भाई फूड के अवशेष घर में नजर आएंगे ही आएंगे बच्चे तो बेडरूम को ही स्टेट मान लेते हैं अपना यहीं सोना है यहीं पढ़ना है यहीं खाना है और यहीं सो so कॉल्ड उधम भी मचाना है तो आपके घर में कॉकरोच तुरंत चलाएगा जैसे हिट का प्रकोप खत्म हुआ तो अमेरिका का भी यही हाल था जैसे अफगानिस्तान छोड़ा वो कॉकरोच कॉल्ड तालिबान फिर चले आए थोड़े कम निर्दयी हो गए हैं अभी भी हैं बट थोड़े से कम हो गए हैं आज भी उनके यहाँ गर्ल्स को अलाउड नहीं है स्कूल जाना। थेटर, सिनेमा थेटर तो, वो सो तो जब तालिबान वाले वापस लौट के आए तो जो उस समय की वो कौन सी गवर्नमेंट थी मेरे को नाम नहीं याद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का उनका अफगान के जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के वो अपना गोल्ड डोल लेकर शिविर से दुबई यूएई निकल लिए और वापस कौन सा रूल आ गया तालिबान इस पूरे कार्यक्रम में हफ्ते दस दिन का टाइम लगा उसके बाद सेटल हो पाए उसके बाद सेटल हो पाए कुछ कंट्रीज आज भी तालिबान को गवर्नमेंट नहीं मानती तो वो पंद्रह दिन के टाइम में इट वॉज नॉट अ स्टेट अगर यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन स्टेट की ये है तो खोपड़े में बात गई कि नहीं गई समझ में आ गया तो हमारे यहां जब इलेक्शन होते हैं तो पुरानी गवर्नमेंट चली जाती है और नई गवर्नमेंट आने में इलेक्शन होने में लगभग डेढ़ दो महीने का टाइम रहता है तो उस दो महीने के बीच में वी आर नॉट अ स्टेट वाई वी आर नॉट अ स्टेट बिकॉज वी डू नॉट एन गवर्नमेंट बट वी गवर्नमेंट हाउ कम सर प्रेजिडेंट रूल लग जाता है सर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना हो तो प्रेसिडेंट साहब किससे पूछेंगे लाल कार्पेट में जो लोग बैठते हैं राज्यसभा वालों से इसीलिए राज्यसभा बनाई जाती है वॉट इट क्लियर एंड नेक्स्ट टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट मतलब लोग जिनको आप पॉपुलेशन में लिस्ट कर रहे थे render habitual obedience. सर, पाकिस्तान में अगर हम लीगल स्टडीज पढ़ रहे होते तो टीचर हमको बताता बेटा बस यही स्टेट होता है क्योंकि गवर्नमेंट तो मजाक है हमारे यहाँ और हैबिचुअल ओबीडियंस यहाँ पे आर्मी वाले डिफेंस वाले हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं है लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप तो सर हम जा रहे पाकिस्तान सर वहां थोड़ा कम बढ़ना पड़ेगा हमको पता लग गया तो पाकिस्तान की स्टेट की डेफिनेशन बस यही है पॉपुलेशन एंड टेरिटरी इज दैट क्लियर बट इंडिया में आप पे करते हैं टैक्स गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं तो सर वो लाल बत्ती जल रही और हम जंप कर गए टैक्स तो सर हमने देना ही नहीं सरकार को जो करते बनता है कर ले तो सर हम एग्जाम में बस इतनी डेफिनेशन लिख के आएंगे और अगर चौथा पॉइंट भूल गए और टीचर नंबर काट लिए तो हम बोल देंगे मैडम जी ऐसा है हमारे घर में टैक्स कोई नहीं देता है और लाल बत्ती तो मैंने कभी फॉलो ही नहीं की तो आप जरा मेरे को पूरे चार नंबर दे दीजिए दो नंबर इस पे दे दीजिए एक नंबर इस पे एक नंबर इस पे तो स्टेट की डेफिनेशन समझ में आ गई भाई पक्का चलिए इस जी कोई क्वेरी? नहीं क्वेरी? No, अरे पूरी लिखनी है आपको अच्छा ओ ओ ओ ओ, ओ। नहीं आर्टिकल ट्वेल्व वाली जो डेफिनेशन है अगर आप थोड़ा सा गौर फार्मा है तो आर्टिकल ट्वेल्व वाली डेफिनेशन और डेफिनेशन एकदम सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट लिखा हुआ है और लोकल ये भी लिखा है के बाद यहां पे क्या लिखा है अंडर द कंट्रोल तो हु इज अंडर द कंट्रोल पॉपुलेशन इज अंडर द कंट्रोल जो रूल्स एंड रेगुलशन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है दैट इज अंडर द कंट्रोल तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय स्टेट एक नंबर का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है ठीक है एमसीक्यू में आपको ये दो चार पॉइंट्स लिख के आएंगे तो ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज हो जाएगा तो अगर बाय चांस दो नंबर की डेफिनेशन पूछी गई तो मेरे को तो ये दो नंबर में थोड़ी सी सस्ती घटिया डेफिनेशन लग रही है एंड अथॉरिटी इसमें ठीक से लिखा गया है तो आप इस डेफिनेशन को लिख दीजिएगापड़े में बात गई और ये डेफिनेशन आप तब जरूर लिखेंगे जब आर्टिकल ट्वेल्व बोल के पूछा जाए और अगर नहीं पूछा जाए तो देख लीजिएगा टीचर का लेवल ऑफ जम क्या है इज दैट क्लियर तो टीचर्स लोग पढ़ाते समय बता देते हैं कि भैया कितना बड़ा आंसर आएगा तो क्या लिखना है अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एलिमेंट्स तो भैया सिर्फ यही डेफिनेशन चलेगी फिर और कुछ नहीं चलेगा

इनको गर्मी में सर्दी कपड़ा खरीदना होता है और सर्दी में गर्मी कपड़ा सस्ता मिलता है ना डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरे को हिसाब से दिखाएगा तो अगर पूछा जाए एलिमेंट्स के हिसाब से स्टेट को डिफाइन करिए तो ये डेफिनेशन है आर्टिकल ट्वेल्व के हिसाब से तो पहली वाली और कोई छोटा घटिया दो नंबर का क्वेश्चन है तो भैया कुछ भी लिख लो ओके चलते हैं आगे तो ये चार चीजों का होना बहुत जरूरी है स्टेट में पॉपुलेशन होनी चाहिए टेरिटरी गवर्नमेंट और सॉविनेटी और शायद यही वजह थी कि लॉकडाउन लगाया गया था कि भाई जब पॉपुलेशन ही रही रहेगी लोग मर जाएंगे तो भैया राज कहां पे करोगे इज दैट अंडरस्टूड तो जब कभी आपको क्लैट वगैरह में केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप पूछेंगे भाई व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉकडाउन डिस्कस करिए डिबेट करिए तो आप बोलेंगे पॉपुलेशन इज द मेन थिंग पॉपुलेशन ही नहीं है तो सो so कॉल्ड वो स्टेट बन ही नहीं सकता इज दैट क्लियर चलिए सो लेट्स कंटिन्यू विद द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट चिल्ड्रन ह्यूमनिज एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रहते ही वेटनरी सर्जन है पॉपुलेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गया बट अगर लोग नहीं रहते तो ऑब्वियस बात है वो स्टेट हो ही नहीं सकता तो स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन होगी तो आप टेरिटरी डिफाइन करेंगे अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टेरिटरी डिफाइन करने की जरूरत ही है पूरा हिंदुस्तान है आप कहीं चले जाइए वेरी गुड अगर कहीं भी चले जाइए और हम सबको कॉमन रख दें और यूएस की तरह एक प्रेसिडेंट बना दें वहां तो थोड़े लो, थोड़े लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहां जाहिल गवार है अट्ठाईस उनतीस तो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको कैसे चुप कराया गया उनके मुंह में हड्डी डाल के कौन सी हड्डी डाली गई चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तो थोड़ी औकात में तुम आ गए स्टेट के अंदर ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट सिटीज हैं, हैं वो भी सब लोग चाहते हैं हमको सबको चीफ मिनिस्टर बना दो नहीं हो सकता तो उनको क्या बना दिया गया मेयर बना दिया गया तो कहने का मतलब हर जगह मॉनिटर बनाया गया है एक कॉलेज कैप्टन हो गया सब तो कॉलेज कैप्टन बन नहीं सकते फिर हाउस कैप्टन जो छोटी टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे फिर क्लास कैप्टन या क्लास मॉनिटर वो और छोटी टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे तो वैसे ही यहां पर भी है सो दे ऑल्सो रिसोर्सेज फॉर द पीपल हु लिव ऑन लैंड एंड दे फॉर्म अ गवर्नमेंट तो पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है तो ये नहीं हो सकता कि आपसे जब स्टेट के बारे में पूछे आप सबसे पहले टेरिटरी लिखाएं वो गलत हो जाएगा सबसे पहले स्टेट में पॉपुलेशन का होना जरूरी है जिनके लिए हम डिफाइन क्या करेंगे टेरिटरी और कंट्रोल करने की अथॉरिटी को क्या बोलेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट भी तो गलत कर सकती है भाई गवर्नमेंट भी तो डिक्टेटरशिप कर सकती है उसके लिए क्या बनाई जाती है उससे भी बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम अथॉरिटी तो हमारे देश में सोवनिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिफ्लेक्ट होती है ओके okay? समझ में आ गया चलिए सो प्लेटो अंकल ने 429 बीसी में क्या बोला पांच हजार चालीस लोग अगर कहीं पे हैं तो उसे स्टेट बोल दिया जाए। सर बैल था क्या एकदम से बैल नहीं था भैया आप आज बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं अगर मैं आपसे बोलू कि जो इंटरनेट जियो का आप इस्तेमाल करते हैं एक जमाने में दस लाख रुपए लगता था उस स्पीड को लेने के लिए आप कहेंगे सर आप बावली हो गए सर सर धूप धूप लग गई सर आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों आज आपके मोबाइल पे 5G की स्पीड आती है Is that clear? आप मूवी डाउनलोड करते हैं ना दो गीगा बाइट पर सेकंड पे मूवी डाउनलोड हो जाती है दो गीगा बाइट मतलब दो हजार अड़तालीस किलो बाइट और मैं आपको बात बता सॉरी नॉट किलो बाइट मेगा बाइट बेसिकली समझना क्या मैं बात बता रहा हूं बच्चों 1990, लेटर से थ्री वगैरह की मुश्किल से कंप्यूटर हिंदुस्तान में आए थे 91 के आसपास आए थे राजीव गांधी जी का सपना था और गवार क्या बोलते थे कंप्यूटर आ जाएगा देश में नौकरी खत्म हो जाएगी और मेरे को तो लगता है कंप्यूटर ना आता तो नौकरी खत्म हो जाती टू थाउजेंड शायद थ्री की बात रही होगी हमारे घर में बी का इंटरनेट आया दो सौ छप्पन किलो पर सेकेंड ये तो लिस्टेड स्पीड थी मिलती कितनी स्पीड थी पता है सिक्सटी किलो बाइट पर सेकेंड आप आराम से ईमेल टाइप कर लीजिए चाय वाय पी लीजिए आराम से मेल जाएगा और एक महीने का किराया देना पड़ता था आपको टू हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज और आज आपको कितनी स्पीड मिलती है जरा देख लीजिए दो हजार अड़तालीस जितनी स्पीड आपके मोबाइल पे आती है उस स्पीड पे अमेरिकन डिफेंस काम किया करता था आज जो स्पीड मोबाइल पे आती है तो सर इतना पैसा लगता था यस यस चालीस हजार रुपए का कंप्यूटर मेरे दोस्त के घर में आया था सिक्स में बच्चों चालीस हजार का पता है उसमें मेमोरी कितनी थी 20 की हार्ड ड्राइव लगती थी कितनी बीस एम मेरे इस मोबाइल में दो सौ छप्पन जी का इंटरनल स्टोरेज है वन टीबी तक का स्टोरेज आ गया मोबाइल के अंदर समझ समझा गया उस समय ये बीस एम की हार्ड ड्राइव इतनी महंगी थी टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई एज टाइम पास तो इन्होंने

पहले वैष्णो देवी लोग कुछ टाइम पे जाते थे भीड़ होती ही रही थी अब तो आप तीन सौ पैंसठ दिन चले जाइए हर टूरिस्ट प्लेस पे आपको भीड़ मिलेगी मिलेगी तो आई मीन टू से भाई जैसे टाइम बीता है बच्चों चीजों की डेफिनेशन बदल जाती है कभी किसी ने सोचा था लीगल स्टडीज जैसा कोई सब्जेक्ट आएगा बिल्कुल नहीं टू से पहले हमारी कंट्री में अगर कोई बोलता था रिलायंस का शेयर बढ़ेगा कोई कहता था घटेगा चलाओ इस पे बैट हो जाए उसको जेल हो जाती थी आज ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है मार्केट वायदा कारोबार तो सो कॉल्ड थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग जैसे सट्टा वगैरह बहुत आजकल लोग क्रिकेट पे खेल रहे हैं कोई भरोसा नहीं दस साल बाद एक सब्जेक्ट आ जाए गैम्बलिंग स्टडीज स्कूल के अंदर खुल जाएगा रॉलेट चलेगा इसलिए कि आपको कैसे बचाया जाए कभी किसी ने सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ आएगा योगा कभी किसी ने सोचा था बाबा रामदेव जी ने सोचा होगा कि मैंने जिस योगा को इतना स्पेशलाइज किया इतना प्रमोट किया लोगों को जॉब मिल रहा था योगा टीचर तो योगा क्यों प्रमोट किया जा रहा है भाई भाई इसकी साइंटिफिक स्टडी हुई कि भाई योगा अगर आप कर लेते हैं तो कितनी बीमारियां तो ऑलरेडी चली जाएंगी आपको बीमारी होगी नहीं तो क्या मेरे इस विश्वास मत से लगा कि प्लेटो जाहिल था नो no. तो प्लेटो कह रहा है पांच हजार चालीस लोग अगर है तो इट इज अटेट एरिस्टोटल भाई साहब ने किस चीज की बात की ऑप्टिम पॉपुलेशन सर ये क्या होता है ऑप्टिम पॉपुलेशन की बात एरिस्टोटल के बाद बच्चों एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है मैस्लो आई रिपीट नहीं सॉरी 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 आई मेड मिस्टेक बहुत सो कॉल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट थे और इनकी रिसर्च क्या थी जब भी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है ना धरती पे भूकंप भूकंप आ जाता है और कुछ लोग अपने आप मर जाते हैं वॉर की सिचुएशन हो जाती है तो वो बोलते हैं कि धरती जितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है लॉन्ग रन में पॉपुलेशन उतनी रहती है इसीलिए बीच बीच में भूकंप भूकंप आता रहता है गॉड ऑटोमेटिकली कीप्स ऑन मैनेजिंग एरिस्टोटल साहब भी यही बोल के गए थे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम इतनी कि हम लोगों को मैनेज कर पाए तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है और ये बुक में आपको नहीं मिलेगा वर्ड मैंने ऐड किया इसमें कि हु द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन प्लेटो एरिस्टोटल स्टेफन लीकॉक एंड मेरा नाम भी आ जाएगा उसके अंदर तो आप आंसर क्या लिखेंगे एरिस्टोटल ने ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात की थी शायद इसी की वजह से आपको कैनेडा का वीजा तो मिल जाएगा यूके का भी मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का भी मिल जाएगा चाइना का ना मिलने वाला इंडिया का ना मिलने वाला क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी जरूरत ज्यादा हमारी सरकार चाहती कि सब भाग जाए तो आपके मन में कभी ख्याल आता होगा भगवान कोई दिन ऐसा आ जाए एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए तो जो दस हजार डॉलर का लैपटॉप मिल रहा है परम कंप्यूटर मिल रहा है मैं उसको खरीद लू आप यह सोचते हैं क्या भारत सरकार सोचती है एक डॉलर एक रुपए का हो जाए जितने लोग अमेरिका में जॉब कर रहे थे तो भागेंगे वापस समझ में आ गई बात तो ये एक वजह रही होगी एरेस्टोटल ही बेस रहे होंगे जिसके बेसिस पे ये वीजा सैक्शन वगैरह बनाए गए होंगे चल स्टेफेन ली रॉक अंकल 1869 टू नाइनटीन इंग्लिश पॉलिटिकल राइटर थे और ये भी यही बोलते थे कि भाई इतना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको हम ठीक से मेंटेन कर ले महाराष्ट्र में हमेशा यूपी वालों को परेशान किया जाता है और हमेशा वो चाहते हैं कि यूपी वाले महाराष्ट्र में ना आए क्यों ना आए महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं थोड़े तो कामचोर आलसी टाइप के होते हैं और यूपी वाले बहुत तेज होते हैं नॉर्थ इंडियंस एक्चुअली पूरे ही बहुत मेहनती होते हैं क्यों मेहनती होते हैं आपके जोग्राफी टीचर ने आपको बताया होगा टेरेन बड़ा डिफिकल्ट था पहाड़ी एरिया था तो बहुत मेहनत करनी सीखी और उधर प्लेन एरिया में जाके काम करना वॉज वेरी वेरी, वेरी 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 इजी तो भैया यूपी में लखनऊ में नौकरी कर रहे हो आठ घंटा तनख्वाह मिल रही है बीस हजार बॉम्बे चले जाओ बैंगलोर चले जाओ पचास हजार मिलेगा तो आप उनका हक मारने चले आए क्यों अमेरिका में लोग इंडियंस को परेशान करते हैं क्योंकि इंडियन बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए आपको सुनाई देता होगा इंडियंस को मार दिया वगैरह 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 तो ये हमारे एरिस्टोटल साहब की ही देन है इन्होंने रिसर्च करके बोला कि भाई जहां पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां कोई ना कोई समस्या हो ही जाएगी घर में जब बहुत ढेर सारे लोग होते हैं और दादाजी दादी जी दिन भर की खिचकिच से परेशान होते हैं तो क्या बोलते हैं भैया ऐसा है घर बहुत बड़ा है चार भाई हैं सबकी कम से कम एक एक, एक बीवी तो होगी होगी मिनिमम एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ बच्चे भी होंगे कम से कम भैया बहुत बड़ा घर है लड़ाई मत करो सब अलग अलग पोर्शन में जाके रखो आ गया खोपड़े में बात गई चलिए तो, हाँ यस में तो, जुरिस्ट प्रोडेंस जुर बेसिकली लॉ का एक आउटलाइनिंग कॉन्सेप्ट होता है और एरिस्टोटल साहब स्टीफन लीलॉक साहब प्लेटो साहब ये बहुत कुछ बोल के गए ये बहुत कुछ बोल के गए सौरभ सर का वीडियो अकाउंटेंसी का भी होता है सौरभ सर का वीडियो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का भी होता है सौरभ सर का वीडियो इकोनॉमिक्स का भी होता है सौरभ सर का वीडियो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी होता है सौरभ सर का वीडियो लीगल स्टडीज का भी होता है तो ये सौरभ सर है क्या चीज भैया आप जब बहुत पढ़ लेते हैं तो आप काफी ज्ञान निछावर करने लग जाते हैं वॉट इट क्लियर मेरे को लग रहा है कि चार पांच साल बाद फिजिक्स विक्स ना पढ़ाने लग जाओ Is that clear or not? बात गई तो नेचर ऑफ पॉपुलेशन कुड भी होमोजीनियस कुड बी हेट्रोजीनियस ये क्या होता है मान लीजिए मोहल्ला है जहां पे ज्यादातर इंडियंस ही रहते हैं तो आप भी कहां पे किराए पे घर लेना चाहेंगे उसी मोहल्ले में न्यू दिल्ली जब नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं और स्पेशली हमारे इलाहाबाद और लखनऊ कानपुर वाले बनारस वाले ये ज्यादातर मालवीय नगर साउथ एक्स में रहते हैं क्यों अब शुरू से लोग वहां रह रहे थे बस गए तो जो भी अपने रिश्तेदार को नौकरी के लिए बुलवा रहा है कह रहा है है घर अच्छा मिलता है। तो सब यहीं आके रहने लग गए तो कोई अगर विदेश से इंडिया आएगा तो पहला डेस्टिनेशन न्यू डेली होगा दूसरा डेस्टिनेशन क्या होगा मुंबई होगा तो बस वैसे ही एरिस्टोटल और स्टेफेन लीलॉक है तो एरिस्टोटल साहब ने इनके बारे में बोला पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने और भी बोला और भी बोला एरिस्टोटल भगवान बन गए समझ में आ गया हिंदुइज्म में साढ़े तीन करोड़ से ऊपर देवी देवता हैं सब अपने हिसाब से मानते हैं बट इस्लाम में तीन है दो है एक है क्रिश्चियन uh, में भी दो तीन है सिखिज्म में भी एक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब उसी को फॉलो करते हैं तो ये अरिस्टोटल नाम आपको बहुत जगह मिलेगा तो ये मत बोलिए कि अरिस्टोटल ने जो बनाया बहुतों ने बनाया सब अपने अपने विचार व्यक्त करके गए मैंने भी विचार व्यक्त किए थे बट मेरी आवाज दबा दी गई नहीं तो मेरा नाम भी हम कहीं देख लेते तो होमोजीनियस पॉपुलेशन जहां पे होगी आप जैसे लोग आप वहीं रहना चाहेंगे इज क्लियर बट कई कई लोग बीड़ा उठाते हैं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे वहां रहेंगे हम मान ही रहेंगे वहां रहेंगे इवन अपने शहर में ही आपको मान लीजिए लैंड परचेज करना है और वहां पे आपके पांच दस रिश्तेदार हैं तो आप कोशिश करेंगे कि वहीं रहे थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी अपने साथ के लोग होंगे सो दिस इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ पॉपुलेशन सो कॉल्ड भी स्टेट को कंपराइज करता है Well? तो तो चालीस में आ ही नहीं पाएंगे तो एक्चुअली में कोई नंबर पॉपुलेशन का स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए बस वो नंबर जितने में कंट्रोल हो जाए दैट इज पॉपुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एज सच समझा क्या अभी आपने वो मूवी देखी होगी शाहरुख खान की डंकी वो जब इंडिया से जाता है चोरी छुपे तो वहां पे लॉयर क्या बोलता है बस तुम ये बोल देना कि तुमको हिंदुस्तान में परेशान किया जा रहा है तो हम तुमको पनाह दे देंगे कुछ दिन के लिए तुम्हें टेम्परेरी रहना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं असाइलम असाइलम मेंटल ना समझ लेना वो पागल खाना होता है तो असाइलम इज अ टेम्परेरी स्टे वेन पीपल आर डिसटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फिर अमेरिका को क्या फायदा सर इसका भाई अगर अमेरिका को लग रहा है बड़े जीनियस टाइप के तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करो और प्लस इंडिया की यूएस में यूएस यूनाइटेड नेशंस में बेजती करने का मौका मिल जाएगा और हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्नेशन बढ़ेगा कि हम देखो पना कितनों को देते हैं फंडामेंटल और नॉट तो इसलिए बोला गया कि भाई वो जो असाइलम में लोग आते हैं ना बच्चों वो स्टेट में पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा फंडामेंटलिस्ट क्लियर तो वेटिकन सिटी का नाम आपने शायद सुना होगा पोप जॉन पॉल जहां से पूरी क्रिश्चियनिटी को रेगुलेट किया जाता है इट हैज जो है इसमें लिखा हुआ है एट हंड्रेड ट्वेंटी एज वेल एज अ सिटी वेटिकन सिटी बोलते हैं ना बोलते हैं वेटिकन सिटी है है बट वो कंट्री ओके okay? तो रे बस, बस इतना ही लगभग हजार हो गए होंगे आज की तारीख में मान लीजिए ये टेक्स्ट थोड़ा पुराना है चार पांच साल पुराना वॉट सीबीएसई की बुक से लिया है ओके okay? अब जैसे यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन लिखी है 140 करोड़ थोड़ी सी तो बड़ी होगी ओके अगला पार्ट क्या आता है बच्चों टेरिटरी, हिंदी में बोले मोहल्ला या शहर इट इज बेसिकली अ जोग्राफिकल एरिया जो ओन अल्टीमेटली गवर्नमेंट करती है नहीं सर हमारा घर हमारे पापा के नाम पे है लाख आपके पापा के नाम पे हो सरकार को अगर वहां से फ्लाई निकालना है दस गुना मुआवजा आपको दे देंगे ताकि आप कोर्ट जाए ही ना तो वो एरिया भी अल्टीमेटली किसका हो गया

में कॉरिडोर बनाने के लिए गवर्नमेंट लोगों को पैसा भी ना दे पाती और लोग पैसा लेने के बाद भी खाली ना करते प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ने भर भर के पैसा दिया पांच पांच दस, दस दस गुना मुआवजा दिया ताकि लोग चाह के भी कोर्ट ना जाए और अगर चले ही जाते तो शायद कोर्ट बोलता नहीं भाई आप नहीं बना सकते समझ में क्या इंटरनल वाटर्स एंड टेरिटोरियल सी अब ये क्या होता है आप अगर कभी मुंबई गए हो तो ताज के सामने समुद्र है कौन सा पैसेफिक क्वेश्चन मरीन ड्राइव तो उस जगह को बोलते हैं ना वो जो सामने ओशन है उसको क्या बोलते हैं इंडियन ओशन वॉट इट क्लियर तो अब ध्यान से बात सुनिएगा आप बोलेंगे कि सर ये इंडिया कहां तक है इंटरनेशनल लॉ कभी टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा पर्टिकुलर किलोमीटर तक पर्टिकुलर किलोमीटर तक कोई भी शिप आ सकता है जा सकता है उसके बाहर लेटर से 25 किलोमीटर तक हमने एरिया बना दिया नॉटिकल माइल्स चलता है बेसिकली व्हाट नॉटिकल माइल्स 16 नॉटिकल माइल तक एनी इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी कैन बी डन उसके आगे इंटरनेशनल वाटर्स स्टार्ट हो जाता है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखिए वो शाहरुख खान जाता है बोलता है ना आप इंटरनेशनल वाटर्स में आ चुके हैं तो वहां पे आपको सो so कॉल्ड वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो दो देशों के बीच पे एक जमीन होती जिसको no है जिसको नोमेंस लैंड बोलते हैं वहां पे किसी का कत्ल भी कर दोगे ना केस नहीं चलेगा बट वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे बेसिकली आपको दोनों में से एक तरफ की जो आर्मी होगी वो शूट कर देगी वाघा बॉर्डर कभी आप अगर गए हो या आपने देखा हो इधर इंडिया का गेट है उधर पाकिस्तान का गेट है बीच ही जगह खाली है वैसे तो वहां कोई जा नहीं सकता बाई चांस फेंसिंग के बीच में दाएं बाएं से कोई चला गया यूल शॉट डेड इफ नॉट एक जगह आपको पकड़ लिया जाएगा बाई चांस आप किसी का कतलमा कर भी देते हैं आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा क्यों क्योंकि वो किसी की भी टेरिटरी नहीं है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ज्योग्राफिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली पता होगा मेरे ओपिनियन में शायद 99 या तीन तीन फीट का एरिया दोनों देशों को छोड़ना पड़ता है जहां पे फेंसिंग क्रिएट की जाती है ओके okay, उसको लैंड no बोलते हैं तो वहां पे किसी के ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा क्योंकि वो हमारी टेरिटरी नहीं है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं बेसिकली दोनों कंट्रोल में नहीं है तो ये क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना बड़ा आसान होता है बट वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे एक्चुअली में ओके okay, सर वो तारों के नीचे से अगर चले गए तो अब वो सब मूवी में चलता है रियलिटी में तो निपटा दिया जाता है ओके okay, तो सो so कॉल्ड अब एक पर्टिकुलर एरिया तक हम जा सकते हैं आ सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल वॉटर्स है मान लो पच्चीस नोटिकल माइल्स को बोला इंडिया है उसके आगे इंटरनेशनल वॉटर्स वॉट इट क्लियर अब कोई शिप चाइना से आ रहा है कोलकाता पे उसको सामान अनलोड करना है तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा फिर वहां पे हमारे शिप्स जाएंगे और अनलोड होगा तो इंडिया से पाकिस्तान सामान जाता है और आता है अगर इंडिया का ट्रक पाकिस्तान चला गया इज क्लियर तो सामान वहां महंगा हो जाएगा क्यों पाकिस्तान जाने के लिए ट्रक को स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी तो वहीं बॉर्डर में लेबरर्स को लगाया जाता है वो अमृतसर तक वाघा बॉर्डर तक जाते हैं वहां पे लेबर इंडियन ट्रक से सामान निकालती है और पाकिस्तानी ट्रक में अपलोड कर देती है नहीं तो परमिट चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और कुछ केसेस में फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है वहां पे तो ऐसे ही वॉटर्स के केस में भी चलता है एयर स्पेस कितने मीटर्स ऊपर तक तो जैसे अपना वो वो एयर स्पेस स्टेशन है शायद 400 किलोमीटर ऊपर है या कुछ ऐसे किलोमीटर ऊपर है तो वहां तक अलाउड है और नीचे अगर आ गया तो दूसरी गवर्नमेंट बोलेंगे स्पूफिंग हो रही है सेंध मार रहे हैं लोग और वो पता लगा निपटवा भी दे उसको वहां पे तो एक पर्टिकुलर एरिया जमीन का पानी तक और जमीन से ऊपर आसमान तक एक पर्टिकुलर कंट्री की ही

जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का गांव ऐसे थे जिनका एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा उधर है तो उनके स्पेशल आईडी कार्ड बनते हैं और उनको परमिशन होती है खेती बाड़ी कर सकते हैं गॉट इट क्लियर सो टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल बेसिस ऑफ द स्टेट बेसिकली और इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनली आपके मैप्स बनाए जाते हैं तो सर अभिनंदन जी तो वहां चले गए थे चले नहीं गए थे सच्चाई ये थी उसके अंदर कि जब अमृतसर से प्लेन उड़ता है बेकार से बेकार कोई भी उड़े वो जब तक घूम के आता है ना थोड़ा लाहौर का टेंजेंट बना के चला आता है इतना तेज उड़ता है तो उनका प्लेन गलती से वहां चला गया अब चाहे जान पूछ के बट हम तो गलती ही बोलेंगे हमारे आदमी थे वो इज mm. क्लियर तो सर वापस कैसे आ गए स्पेशल ट्रीटी साइन होती है कि अगर ऐसा कुछ गलती से हो जाए तो आप इसको स्पाइंग नहीं बोल सकते लॉजिक समझ में आया आप सड़क पे कुत्ता टहला रहे हैं आपका कुत्ता बहुत बढ़िया आपने बोला अपने कुत्ते को देखो ऐसा है किसी को नहीं काटना सिर्फ हमारे टीचर जो परेशान करते हैं उन्हीं को काटना है अब टीचर की शक्ल मोहल्ले के शर्मा अंकल से मिलती तो कुत्ता काट लिया उनको तो शर्मा अंकल केस नहीं कर सकते क्योंकि जान पूछ के आपने काम नहीं किया बट जान पूछ के आपने ऐसा कुत्ता पाला और आपके पास लाइसेंस भी नहीं था कुत्ता पालने का और काट लिया इंडिया में तो शायद बच जाओगे पुलिस को घूस घूस खिला के बट घूस मतलब जुगाड़ पानी करके घूस नहीं ओके और यूएस में तो भैया चलो तीन महीने की जेल आईया चलान कर लॉजिक अंडरस्टूड तो ये जो फिक्स्ड टेरिटरी होती है बच्चों जहां पे हम अपने म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करते हैं इसी को क्या बोलते हैं टेरिटरी बोला जाता है समझ में आ गया पता लगा गोवा गए थे सर स्विमिंग का बड़ा शौक था स्विम करते-करते करते, -करते, -करते इंटरनेशनल वाटर्स में चले गए 99.99% तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है जाने की क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है ओके कोपले में बाद में चलेंगे तो रहती है शिप्स रहते हैं बट एरिया इतना ज्यादा तो प्रैक्टिकली कंट्रोल नहीं हो पाता अब अमेरिका के पास बहुत पैसा है बट तब भी पूरे पैसिफिक को थोड़ा गश्त मार पाएंगे उतना पैसा नहीं होता हाँ सोमालिया में जाइए पकड़ लेते हैं सबको दूर दूर तक जाके तो उनसे डर भी लगता है लोगों को ओके सो फंक्शंस ऑफ स्टेट एज पोलिटिकल लीगल एंड ह्यूमन बींग ये सारे के सारे इसी टेरिटरी के अंदर ही काम करेंगे बाहर काम नहीं करेंगे फिर आ गए एरिस्टोटल साइज एरिस्टोटल अंकल तो इन्होंने मॉडरेट साइज बताया मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी आप पढ़ेंगे अभी जुरू वगैरह में इन्होंने बोला कि भाई नेसेसरी कंडीशन साइज ऑफ द स्टेट एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट बेस्टेड टू मतलब क्या है सर छोटी जगह है तो वहां पे डिक्टेटरशिप चल जाएगा बहुत बड़ा एरिया है लाइक इंडिया डेमोक्रेसी ही चलेगी डिक्टेटरशिप यहां नहीं चल पाएगी तो इन भाई साहब ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया सैन मेरेनो कितना एरिया है बच्चों छत्तीस स्क्वायर माइल्स छत्तीस स्क्वायर माइल लगभग 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा आ, मोटा मोटा समझ लो 40 सत्तर किलोमीटर के आसपास बहुत ज्यादा मतलब 60 के आसपास ही होगा यूएस कितना है सैतीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ पंचानवे स्क्वायर माइल तो ऑब्वियस बात है में डिक्टेटरशिप चल जाएगी यूएस में चल पाएगी नो तो यहाँ पे थोड़ा हमको डेमोक्रेसी वगैरह चाहिए नोमैड्स एंड जिप्सीज सर जिप्सी गाड़ी मारुति की आती थी बंद हो चुकी है अरे वो दूसरी चीज थी ये कौन होते हैं नट जिनको बोलते हैं और वो जो घूमते घामते रहते हैं टेंट वेंट लगा के रहते हैं कभी आपने देखा होगा सड़क पे वो ड्रामा करते रहते हैं डंडा डंडा फंसाते हैं रस्सी बांधते हैं और रस्सी के ऊपर चलते रहते हैं इनके लोग तो दे आर कॉल्ड एज नोमैट एंड जिप्सीज मूंगफली का वो लगा लेते हैं स्टॉल गली मोहल्ले में तो दीज आर नोमैट्स एंड जिस्टीज ये लोग स्टेट के अंदर नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि इनकी फिक्स टेरिटरी नहीं होती है सर ये कत्ल करके भाग जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट केस चला लेगी उनके ऊपर स्टेट नहीं चला पाएगा क्योंकि किसी स्टेट के अंदर ये आएंगे नहीं बट इंडिया के अंदर तो है ही है इंडिया एज अ स्टेट बेसिकली लॉजिक समझ में आ गया पक्का सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टेट शुड पोजेस एन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी तो भाई पीओके जो है क्या वो स्टेट में आएगा आएगा हम उसे कहां डिस्प्यूटेड बोलते हैं हम तो कहते हैं हमारा है। हम तो कहते हैं इसीलिए इलेक्शन पांच सौ तेरालीस पे होता है बच्चों इलेक्शन फाइव फोर्टी थ्री पे होता है दो सीट जम्मू एंड कश्मीर की भी है वहां पर समझना क्या दो एंग्लो इंडियंस की है एक दो रिप्रेजेंटेटिव की है तो टोटल लगभग वहां पे फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन वन या फिफ्टी टू के आसपास सीट है तो हम नहीं कहते कि सो कॉल्ड उनका है हमने कहा कागज पे लिखा नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये मीडिया बोलता है सरकारी दस्तावेजों में कहीं नहीं है पीओके इट इज जम्मू एंड कश्मीर कभी आपने मैप में देखा जम्मू एंड कश्मीर इधर लद्दाख इधर श्रीनगर इधर पीओके जिस दिन हमने पीओके छापना चालू कर दिया ना ऑफिशियल गवर्नमेंट में वो हमारे हाथ से चला जाएगा हम हमेशा मैप में जम्मू एंड कश्मीर पहले लिखते थे अब एक साइड लद्दाख लिख दिया एक साइड जम्मू एंड कश्मीर उसमें श्रीनगर वगैरह वगैरह सब आता है ओके बट रियालिटी की बात की जाए जो ऊपर वाला एरिया है ये लगभग वन थर्ड पीओके है बट हम पीओके लिखते नहीं है

सो कॉल्ड पब्लिकेशन तो कल को यूएन में चले जाएंगे सब लोग कहेंगे देखिए इंडिया मतलब हमारा तो इसलिए हम नहीं बोलते हमारा है वो। तो ये नहीं है। क्या डिस्प्यूट तो इसलिए रिजोल्व नहीं होता क्योंकि डिस्प्यूट में टेरिटरी आनी चाहिए ना जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ दुकान इट्स अ दुकान सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकते हैं उसके ऊपर आप वो आर्टिकल 370 मूवी देख लीजिए अमेरिका चाहे तो एक दिन में दो घंटा आप लगाए कान के नीचे इधर मोदी जी के उधर जो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बदल जाते भाई मेरी जी के है नहीं इतनी ओके तो उनको बोले भैया 24 घंटे के अंदर मसला सुलझा लो मैं तो दो दोनों बम मार दूंगा काम खत्म एक मिसाइल फेंकूंगा इस्लामाबाद में एक नई दिल्ली में इट्स अ सो कॉल्ड दुकान बेसिकली तो उनको भी लगता है अच्छा है लड़े मरे रहे हमारा हथियार बिकेगा एक्चुअली वहां का कोई भी इकोनॉमिक गेन नहीं है टेरेन ऐसा है आप कोई फैक्ट्री वहां लगा नहीं सकते टूरिज्म के अलावा कोई बिजनेस होगा नहीं और जम्मू एंड कश्मीर आप अगर जाए भी कभी अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे तो दे दे तो टोल्ड मी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टू इंडिया और पाकिस्तान दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी टूरिस्ट आए पैसा दे और इतने साल से हमको फ्री की सर्विसेज लेने की आदत हो चुकी है बाय द पास्ट इंडियन गवर्नमेंट एज अ रूल एंड फ्रॉम पाकिस्तान एज अ सो कॉल्ड ड्राइव हमको बस पैसा चाहिए हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते लॉजिक अंडरस्टूड वेल जीवन तो चली गया अब कौन टेंशन पाले बीस पच्चीस साल छब्बीस साल वालों को बहला फुसला के टांग दिया जाता है खोपड़े में बात गई कि नहीं गई मेरे एक दो रिश्तेदार हैं रिश्ते आते हैं उनके लिए उम्र हो गई तैंतीस बत्तीस साल कह रहे आप अब टेंशन हमसे ना हो पाएगा हमारी ये क्लास मिस सो गई हमारा वो क्लब मिस हो जाएगा एंड ऑल दैट तो वही चीज यहाँ पे भी है सो इट शुड है टेरिटोरियल कॉन्टीग्यूटी दैट इज टू से जोग्राफिकली वन कॉम्पोजिट यूनिट लाइक पीओके इज शोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया एज जम्मू एंड कश्मीर अगर हम पीओके शो कर दें तो फिर वो हमारी टेरिटरी नहीं रह जाएगी लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया नहीं ये सब बुक में नहीं लिखा ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा है सब कुछ बुक में होता तो मेरी सेवाएं लेने की जरूरत क्या पड़ती है डिस्प्यूट तो तो का रिजोल्व हो जाए तो क्या जम्मू एंड कश्मीर इंडियन टेरिटरी में आ जाएगा आप मुंह तोड़ जवाब देंगे आ जाएगा क्या वो है ही हमारा आर्टिकल थ्री मूवी में वो अमित शाह जी का रोल जो करें कह रहे ना था है और रहेगा तो अमित शाह जी को पता है टेरिटरी का मतलब क्या होता है तो नेता लोग बेवकूफ नहीं होते हैं बहुत तेज होते हैं दिमाग से सिर्फ इनको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये पप्पू हैं दे आर नॉट पप्पू दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल खोपड़े में बात गई पक्का तो आप पूछ सकते हैं अपने विद्यालय में टीचरों से कि भाई वो पीओके तो डिस्प्यूटेड है तो वो टेरिटरी होगा कि नहीं होगा अन्य आई कैन से चिल्ड्रेन नाइनटी परसेंट टीचर बोलेंगे नहीं नहीं वो टेरिटरी नहीं है समझा क्या

फिर जब आप बाहर जा रहे थे के, आप जी चले गए वो काम पीट दिया एक हफ्ते में 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 पूरा पूरा समझ घर क्या झाड़ू पोछा बाकी सब तो यूनिटी so, नहीं है थोड़े दूर है बट कंट्रोल क्योंकि हमारा है, तो है हमारे ही है सर इसको पाकिस्तान क्यों नहीं लेना चाहता था औकात थी वहां से यहां तक आने की वो तो चाहते थे बांग्लादेश बन जाए वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान इट क्लियर तो हमारे सो कॉल्ड देसाई नहीं उनका अरे बड़े चुलबुल पांडे थे गांधी जी अगर थोड़ी सी सो कॉल्ड दबंगई कर गए होते अरे क्या नाम था उनका? भाई उनका yes. सरदार वल्लभ भाई पटेल यस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हैदराबाद के निजाम थे ओवैसी चाचू के दादाजी उनको बोले थे कैसे नहीं विलय करोगे तुमको एक्सेशन साइन करना ही करना है और इंदिरा गांधी जी ने भी प्रवोक करके बांग्लादेश को बांग्लादेश किया क्योंकि उनको पता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर इनको बांग्लादेश नहीं किया और पाकिस्तान रहन दिया फ्लाईओवर बना लेंगे बीच में आते जाते रहेंगे और वहां बने तो अंडमान निकोबार ले जाएंगे पूरा हाँ बट जब तक था तो पैंसठ इकहत्तर तक तो बन गया था ना बांग्लादेश तभी तो लड़ाई करते थे तभी तो लड़ाई करते थे लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया और क्योंकि वो फिर श्रीलंका पे भी नजर जमाए हुए थे वॉट चाइना इज डूइंग बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है सीपेक बनाया उन्होंने बीच में वॉट इट like? फिर इनको श्रीलंका को पैसा देना स्टार्ट किया उनकी दुश्मनी इंडिया से नहीं है उनका कोल्ड वॉर यूएस के साथ है और रशिया के साथ है उनको क्या लग रहा है कि इंडिया के रिश्ते रशिया और यूएस दोनों के साथ अच्छे हैं तो अगर हम इनको घेर लें तो यूएस ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर दादागिरी नहीं कर पाएगा इज दैट क्लियर समझ में गया तो इसीलिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जोग्राफिकल यूनिटी में तो स्टैंड नहीं करते हैं बट स्टिल दे आर आस समझना क्या तो आईलैंड एंड अदर टेरेटरीज विच आर अ पार्ट ऑफ मेनलैंड स्टिल कॉन्स्टिट्यूट टू बी अरेटरी स्टेट बेसिकली समझ में आ गई भाई बात चलिए तो यह सब चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी बट ये काम बहुत आएंगी आपको गवर्नमेंट एकदम आसान है बच्चों गणित आती है सबको लेजिस्लेटिव एग्जेक्यूटिव जुडिशियल को मिला दीजिए क्या बन जाता है गवर्नमेंट सर बीजेपी क्या है सॉरी वो गवर्नमेंट का नैरो मीनिंग है ये गवर्नमेंट का ब्रॉड मीनिंग है ओके okay, तो जो हम गवर्नमेंट जानते थे से पहले, that was and all that, जो है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है।, है आप मम्मी नहीं है आप मम्मी की संतान है आप मम्मी जैसे देखने में लग सकते हैं आपका सोशल बिहेवियर उनकी जैसा हो सकता है वॉट इट क्लियर बट मम्मी की तरह आप घर को डोमिनेट नहीं कर सकते तो इंटरनल बॉडीज जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपने पुलिस थाने वगैरह सब कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल ये क्या होता है सर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम तो सुना ही होगा एम सी डी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डेली एल डी ए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्हीं को बच्चों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं सर फर्क क्या होता है बड़ी जगहों पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है छोटी जगहों पे म्युनिसिपल काउंसिल होता है सर फर्क क्या है अगेन जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी वहां मेयर का अपॉइंटमेंट होगा म्यूनिसिपल छोटा है मेयर को को तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है नहीं समझे बात को। आपके स्कूल में एक मैथ्स टीचर नया नया आया अगर उसको पीजीटी ग्रेड पे रखे तो तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी टी ग्रेड पे रखे तो तनख्वाह कम देनी पड़ेगी हम रखेंगे टी जी टी पे पढ़वाएंगे ट्वेल्थ उससे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हमारे देश में दसवीं तक की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हमारे देश में बारहवीं तक की नौकरी के लिए अब स्कूल कह रहा है रहे हैं ट्वेल्थ है ही नहीं फालतू तो अगर ग्रेड दे दिया तो सैलरी देनी पड़ेगी ना कोर्ट चला जाएगा नहीं समझे बात को समझ में आ गया समझ में आ गया तो आपको रखा जाएगा टीजीटी -टी पे बट पढ़वाया जाएगा पीजीटी ताकि तनख्वाह कम देनी पड़े ओके तो यहाँ पे जैसे कौशाम्बी एरिया है तो वहां पे मेयर नहीं होता वहां चेयरमैन होता है इट्स अ टाउन एरिया इट्स अ टाउन एरिया लखनऊ हो गया कानपुर हो गया वाराणसी प्रयागराज बड़े हो गए ना तो ये मेयर यहाँ पे आ जाते हैं फिर हाँ? ये नहीं कर सकता कर के उसकी बेचारे की मजबूरी है नौकरी मिल मिले यही बहुत बड़ी बात है पांच साल बाद नौटंकी करेगा वो कि मेरे सीनियर क्लास मजारो नौकरी छोड़ के तब तक स्कूल भी थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका होगा देन और गांव के लेवल पे पांच झाइल झक्की चारू हो जाते हैं जो मान लिया तो इट इज पंचायत पंचायत के ऊपर सरकारी इंप्लॉय होता है जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं बेसिकली ओके okay? नहीं सरपंच इज डिफरेंट पांच लोगों का जो हेड होता है वो सरपंच होता है है वो गांव के लोग इलेक्ट करते हैं क्या वर्बल वोटिंग होती है, वोटिंग नहीं होती होती लिखित नहीं नहीं तो इलेक्शन कमीशन को काम कराना पड़ेगा ओके okay? और वहां पे ग्राम सभा भी होती है फिर अब ग्राम सभा में और पंचायत में क्या फर्क होता है गाँव के अंदर छोटे छोटे और लोकैलिटीज हैं जैसे शहर में मोहल्ले होते हैं तो गाँव में भी है वो छोटे छोटे वाले एकदम ग्राम सभा पांच दस ग्राम सभाओं को मिला के एक पंचायत बनती है तो पंचायत वेब सीरीज ना देख लेना वो अलग पंचायत वो सीरियल है तो मान लीजिए पच्चीस मोहल्ले एक शहर के अंदर है ना क्या वैसे पच्चीस हो गई बोल दिया हमने लेटेस्ट से देवरिया पंचायत फॉर एग्जाम्पल तो अब इसके अंदर छोटी छोटी ग्राम सभाएं आ जाएंगी तो जैसे बोलते हैं ना सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी तो ग्राम सभा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट उससे बड़ा फिर पंचायत से बड़ा म्युनिसपल सॉरी काउंसिल काउंसिल से बड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज दैट क्लियर चलिए क्या क्या गवर्नमेंट बातें बताऊंगा कुछ services, पढ़ेंगे तीन तरह की लिस्ट होती है एक वो कॉन्करेंट लिस्ट एंड ऑल दैट डिफेंस की सर्विस सेंट्रल का मैटर है स्टेट से कोई मतलब नहीं फॉरेन रिलेशन सेंट्रल लेवी ऑफ टैक्सेस में सेंट्रल स्टेट दोनों आते हैं स्टेट के भी टैक्सेज ऑन

हाँ? वो अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा ओके सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है सर बिल्डिंग बनवाना रोड बनवाना ये सब फिजिकल हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग जो है वो फिजिकल हो जाएगी बट वहां डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया उन्होंने दैट इज कॉल्ड एज सोशल वो रैन बसेरा है कुंभ मेले के टाइम पे रेलवे स्टेशन के बाहर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एनफोर्सेस टू मेंिक्योरिटी ये सारे काम दोनों गवर्नमेंट के होते हैं तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है स्टेट का फॉर्म चेंज होता है जैसे जैसे स्टेट चेंज होगा गवर्नमेंट भी चेंज होती जाएगी क्या हाँ 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 रेजिडेंशियल लिस्ट एक्चुअली कोई लिस्ट नहीं होती है तीन लिस्ट होती है बताओ प्रशांत में तो उसके बारे में यह समझ में आ गया चलो सॉवनिटी ये तो बड़ा ही आसान है इसमें कुछ खास है नहीं इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी हमेशा सॉब्निटी की जब बात करें बच्चों तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा और कुछ खास इसमें है ही नहीं नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉब्निटी थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करेंगे जो भेंड्रे वाला था वो चाहता था कि पंजाब एक देश बन जाए जैसे उन्होंने बोला कि भाई जो मुस्लिम्स है उनके लिए एक देश बन गया तो जो सिख लोग हैं उनके लिए भी एक देश बनाओ तो इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं ये तो नहीं होगा कल को तमिल वाले बोलेंगे हमारे लिए एक देश बना दो समझ में आ गया फिर अग्रवाल समाज बोलेगा हमारे लिए एक देश बना दो मारवाड़ी बोलेंगे राजस्थान एक देश बना दो फिर टुकड़े हो जाएंगे देश के तो मैं ये तो नहीं होने दूंगी रातों रात ज्ञानी जैन सिंह जी को उठाया और बोला साइन करिए मैं कल भिंडरे वाले को निपटवाने जा रही हूँ तो उन्होंने तोप लगवा के गोल्डन टेम्पल में तोप चलवा दी थी इसलिए सिख धर्म उनके अगेंस्ट हो गया और अगर ये काम ना होता तो बिंड्रे वाला अंकल जो थे वो चार पांच दस कंट्रीज का सपोर्ट ले आए थे कि अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तो आप हमको सपोर्ट करिएगा तो जब अभिनंदन जी को छुड़वाना था तो पाकिस्तान तक इनडायरेक्टली न्यूज पहुंचा दी गई थी कि भैया इनकी मिसाइल तैनात हो चुकी है नौ बजे छोड़ देना नहीं तो डोवाल साहब बोल देंगे और बटन दब जाएगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान को लग रहा था हूल दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने चाइना से बोला चाइना कह रहा मिसाइल है हमने सैटेलाइट से चेक कर लिया लॉन्च पैड ऑन है उनका चाइना ने कहा हमको कोऑर्डिनेट्स दे दो हमको देखना है तो चाइना ने कहा ये, अमेरिका का एफ सिक्स लिए थे जो अमेरिका ने बोला था कि वॉर लाइक सिचुएशन में यूज होना है ऐसे यूज नहीं होना उन्होंने अभिनंदन जी का प्लेन उसी से फायर करके गिराया जब ये उनके सगे नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे इनको एक बार कोऑर्डिनेट लिंक दे दिया ये और सो कॉल्ड सैटेलाइट देख देख कर अपने फायदे हमारे नुकसान करेंगे तो चाइना ने कहा कोऑर्डिनेट्स तो नहीं देंगे हमने इन्फॉर्मेशन दे दी आगे तुम्हारी मर्जी इज दैट क्लियर वो मूवी में दिखाई भी गया एक मूवी उसके ऊपर भी कोई आई थी शायद अभिनंदन जी की एक सीरीज देखिएगा उसमें था ये मैंने देखा था और कह रहे मैंने ब्लॉग भी पढ़ा पूरा इसका एक ओल्ड डिफेंस रिटायर्ड पर्सनल ने इसको लिखा था उसके बाद फिर ये चले गए पाकिस्तान वाले यूएई के पास टर्की के पास सबने बोला भैया हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे मोदी जी बाहर जाके जूस नहीं पीते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं तो व्हाट ही इज डेवलपिंग ही इज डेवलपिंग एक्सटर्नल इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो उनके साथ हैं हम आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते अपना समझ लो अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया मेरे को फोन आया सर क्या करें मैंने भैया छोड़ दो तो मैं भी मोदी जी के साथ हूँ तो फिर शाम को छोड़ दिया उन्होंने इज दैट क्लियर तो सोब्निटी का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए भाई पक्का नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नलिटी तो इट जस्ट लाइक अगर मोहल्ले वाले आपके साथ नहीं है और पुलिस वाले किसी की भी फेक कंप्लेन में आपको पकड़ के थाने ले गए आप बच पाएंगे इसीलिए मोहल्लेदारी बहुत जरूरी है और घर वालों का साथ भी बहुत जरूरी है तो जो मोदी जी घूम घूम के भक्त रहते हैं भक्त रहते हैं तो हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं कानून की भाषा में उसको क्या बोलते हैं ही इज डेवलपिंग एक्सटर्नल सोफनिटी खोपड़े में बात गई खोपड़े में बात गई चलन सो पीपल रिसाइडिंग विद इन दैट टेरिटरी गिव अनक्वालिफाइड ओबीडियंस एंड सपोर्ट टू दैट अथॉरिटी भाई चाहे सरकार बीजेपी की बने कांग्रेस की बने किसी की बने जो नियम होगा हम फॉलो करेंगे हिंदुस्तानी लोग जाहिल नहीं है इट इज इंटरनल सॉबिटी जो दादाजी बोलेंगे घर वाले फॉलो कर रहे हैं इट इज इंटरनल सॉवनिटी और दादाजी मोहल्ले में काफी ओल्ड एज है और मोहल्ले में उनकी खूब रेपुटेशन है किसी को प्रॉब्लम होती है हो, दादाजी राय मशुरा लेने आता है तो भाई मोहल्ले में भी कुछ होगा जो दादाजी बोलेंगे मोहल्ले वाले दादाजी का साथ देंगे दिस इज एक्सटर्नल आपने शोले मूवी देखी है जब वीरू को और क्या नाम था उसका अरे दो हीरो थे ना अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जय और वीरू जब जय और वीरू लास्ट के सीन में पकड़ने आते हैं मतलब

शायद ऐसी सिचुएशन रही होगी कि वो क्यों डरते थे क्योंकि भाई नया नया तो आजादी मिली थी उन्नीस में बीस पच्चीस तीस साल तो अपनी फूड सप्लाई कंट्रोल करने में लग गया उसके बाद कहीं न्यूक्लियर पावर बने 74 में टेस्ट हुआ 80s में में फिर 98 में डरते भी थे अब कुछ घूसखोर नेता चोर टाइप के यहां पे बिजनेस सेटअप ना कराए उनसे घूस लेते थे तो भाई जितना ऑप्लगेशन आप घूस लेके ले लोगे तो उनके पैरों तले तो आपको दबना ही पड़ेगा तो उस जमाने के नेताओं को ये मजबूरी भी रही होगी और कुछ एटीट्यूड भी रहा होगा कि भाई स्टील प्लांट आया विदेश से कह रहे हम दस करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नेताजी कह रहे हैं पहले दो करोड़ मेरे को दो हमने विदेशी स्टील प्लांट लगवा दिया अपने इंडियंस का स्टील प्लांट नहीं लगवाया तो हम उनसे बड़ा डरा भी करते थे बहुत डर था हमारे अंदर कि कहीं दो चार मिसाइल ना फेंक दें नहीं समझे आप बात करें बात आप मोहल्ले में नए नए आए हैं आप किसी को जानते नहीं है आपके घर के सामने कोई कार भी खड़ी करके चला जाएगा ना आपकी हालत खराब हो जाएगी बट जब आपके घर में पंद्रह बीस लोग हैं और सब लड़ने को तैयार हैं जाहिलों से तो आप मोहल्ले वालों से डरेंगे नहीं तो जब हमने एक दो बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया अगल बगल वालों की हालत टाइट हो गई यार कुछ बोलो ना पगलेट टाइप के आदमी है पता लगा फेंक फाक दी और बोले गलती हो गई एक दो बार हुआ था ना अभी मिसाइल टेस्ट हुई तो गिर गई कि पाकिस्तान में कह रहे सॉरी हमसे गलती हो गई जान बुझे फेंके तो बाद में सॉरी बोल दिए मान लीजिए आप पुलिस वाले बोल रहे हैं चाचा विधायक है हमारे दो घंटा मारेगा फिर चाहे विधायक साहब उनको बुला के सुनाए पुलिस वाला क्या बोलेगा सर जी गलती हो गई पहले बता दिए होते तो छोड़ दिए होते तो उन्होंने तो ईगो सेटिस्फाई कर लिया तो इसीलिए न्यूक्लियर अटैक वगैरह हमने आज तक किए नहीं ना हम करेंगे बट टेस्ट इसलिए किया कि हमको भी कम ना समझना समझना क्या हम भी कोई हल्के पानी में नहीं है हम भी पूरे एकदम चुलबुल पांडे हैं तो इन सब चीजों से क्या होता है एक्सटर्नल सॉब्निटी या इंटरनेशनल रिकग्नेशन या वर्ल्ड वाइड भोपाल समझ में आ गई बात कि नहीं तो आज की तारीख में इंडिया को कोई भी कंट्री प्रेशराइज नहीं कर सकती थोड़ा बहुत यूएस का था भाई वो गल्फ वालों को बोलते थे ए इनको तेल बेचना डॉलर में तेल बेचना डॉलर में डॉलर का दाम हो गया पचहत्तर रुपए एक लीटर कच्चा तेल अगर पचहत्तर का है सॉरी एक लीटर कच्चा तेल अगर एक डॉलर का है और जान पूछ के अमेरिका डोमिनेट कर रहा था गल्फ को कि तुम तेल डॉलर में ही बेचोगे एक लीटर तेल अगर एक डॉलर का तो डॉलर पचहत्तर का था तो हमें तेल कितने का मिलता था रुपए का डॉलर का प्राइस बढ़ के बच्चों अगर 82 हो गया तो हमें तेल कितने में मिलेगा 82 में जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पेट्रोल खरीदना कच्चा तेल खरीदना महंगा होगा तो भाई कच्चा तेल बेचने वाला देश कौन है गल्फ खरीदने वाला इंडिया नहीं चाहता कि मोहल्ले की दुकान वाले आपको ब्रेड बेचे मेरी इतनी मोहल्ले में मैंने ब्रेड वाले को बोला जो दाम मैं बोलूंगा उस पे तुम ब्रेड वाले कह रहे साहब जी दस रुपए कॉस्ट आती है चार रुपए प्रॉफिट है पंद्रह में बेच देते हैं तुम्हें तीस में बेचना है तो ऑब्वियस बात है आपको दुख तो हो गई भाई दस की ब्रेड है वो पंद्रह में बेचने को तैयार है तो कहा सौरभ जो तो बीच में तीस तीस कर रहे हैं इज द क्लियर तो मोदी जी घूम टहल के रिश्ता नाता बना लिए इनसे कि देखो तुम्हारे यहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़िया है नहीं हमारे यहाँ सस्ती पढ़ाई है हमारा मेडिकल सस्ता है हमारे टूरिज्म भी सस्ता है तो तुम अपने लोगों को हमारे यहाँ भेजो कुंभ मेले में पाप धुलने के लिए हम अपने लोग तुम्हारे यहाँ भेजेंगे नौकरी करने के लिए भाड़ में जाइए लोग मरे जाके तो लोग जो सफेद कपड़ा पहनते प्रेशर कुकर के पाइप के साथ उनको बात समझ में आ गई और इंडियन वैसे समझाने में बहुत तेज होते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो उन्होंने कहा हाँ अब अमेरिका से हम डरेंगे नहीं और अमेरिका की जो हरकतें भी ऐसी थी जो जो इस्लामिक कंट्री है उसमें अपना पंचरबाजी ज्यादा करना है तो वो उनकी तरफ से डिक्लाइन हमारी तरफ इंक्लाइन हो गए तो भाई हमारी जुगाड़ सेटिंग बन गई आज आप यूएई घूमने जाइए बच्चों जैसा रुपया इंडिया में चलता है वैसा ही यूएई में चलेगा आपको डॉलर फॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है फिर इधर यूक्रेन का साथ दिया अमेरिका ने नाटो मेंबरशिप में हमने रशिया का साथ दे दिया अब हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो हम रुपए में पेमेंट करते हैं वो हमसे वेपन खरीदते हैं वो हमको रूबल में पेमेंट करते हैं तो जब हमको कल को ऑयल चाहिए होगा हम उनकी करेंसी रूबल उनको दे देंगे उनके लोग हमारे में नहाने आएंगे वो रुपी आएंगे वो लेके चले तो अब डॉलर का दाम बढ़े या घटे न्यूज़पेपर में छापने के लिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे ऊपर उसका कोई इंपैक्ट अब पड़ता ही नहीं है इज दैट क्लियर पहले ये काम हम क्यों नहीं कर पाते थे क्योंकि हम डरते थे अब हमने कुछ ऐसी हरकतें कर ली कि हमारे ऊपर से फॉरेन प्रेशर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है इज दैट अंडरस्टूड समझ में आ गया वनलिटी एंड एक्सटर्नल अंडरस्टूड अंडर चलिए तो इसी के साथ हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होता है समाप्त